भोपाल में संचालित हो रहे हुक्का लॉन्ज को बंद करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह ने गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जगह जगह पुलिस के बैरिकेड्स लगे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लिहाजा उन बैरिकेड्स को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने लव जिहाद को भी रोके जाने की मांग की। को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। देखिए, क्या दो बहुत बड़ी समस्याएं भोपाल की है। एक तो जो हुक्का लाउंज है, ये क्या है, सूखे जो नशा होता है ना, ये ब्राउन और ये जो चरस और इस टाइप की चीज़ें, इसका बहुत बड़ा जो है केंद्र बन गया है, और ये बच्चों को फैला फुसला कर उनका जो है शोषण किया जा रहा है, और लव जिहाद जैसे चीज़ें भी हो रही हैं, और इससे ज़्यादा प्रभावित स्कूल और कॉलेज के बच्चे हो रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इसको तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा हम जनता के सहयोग से ये सब बंद कराएंगे। भोपाल में चारों तरफ जो है पुलिस ने ऐसे बैरिकेडिंग लगा रखी है कि जैसे लगता है कोई आतंकवादी आ रहा है। तो हमारी ये मांग है कि भैया देखिए, इसको जल्दी जो है पूरे भोपाल में जो ये बैरिकेड्स लगा के जो ये चेकिंग हो रही है, इसको बंद किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, दो मांगे संबंध में ज्ञापन दिया है, और मंत्री जी ने बोला है कि दोनों पर कार्रवाई करेंगे।